तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम वाट के बारे में जानेंगे, वोल्टेज के बारे में जानेंगे और एम्पियर के बारे में जानेंगे। तो गाइस, मैं इन तीनों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दूंगा कि ये क्या होते हैं और कैसे इन्हें निकाला जाता है और कहाँ इनका यूज़ होता है। तो गाइज, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा बार आ चुका है कि सर एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें वाटेज, वोल्टेज और एम्पियर के बारे में पूरी नॉलेज हमें मिले और हमें पता लगे कि ये क्या चीज़ होता है। तो गाइज, आज मैं बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण तरीके से आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो गाइज, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि ये जो तीनों चीज़ें वाट, वोल्ट और एम्पियर, ये तीनों ही चीज़ इकाई है बिजली को मापने की। तो इनका यूज़ बिजली को मापने के लिए या बिजली की मापतोल देखने के लिए ही यूज़ होता है। तो गाइज, कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने नाम पर ही इन चीज़ों का नाम रख दिया। जैसे वाट भी एक साइंटिस्ट का नाम था, जेम्स वाट, और वोल्टेज भी एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था एलेसेंद्रो वोल्टा। और ये जो एम्पियर है ये भी एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। तो गाइज, बात कर लेते हैं कि वाट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और एम्पियर। तो गाइज, सबसे पहले हम वाट का बात कर लेते हैं। तो गाइज, वाट एक ऐसी इकाई बना रखी है जिसके द्वारा हम किसी भी मशीन की बिजली की खपत को देखते हैं कि उसमें कितनी वोल्टेज यूज हो रही है, कितना करंट वो यूज कर रही है। तो वो हम सब वाट के द्वारा ही देखते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, W बराबर वी इंटू आई। इंटू का मतलब गुना है, यानी जब हम वोल्टेज और करंट को गुना करेंगे तो हमारे पास वाट आएगा, ठीक है गाइज। लेकिन गाइज, ये दोस्तों ये डीसी में यूज होता है फॉर्मूला, डीसी करंट में। अब वाट का एक एसी करंट का भी फॉर्मूला है जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, तो डब्लू बराबर वी इंटू आई कॉस फाई। ये हमारा एसी करंट का फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। ये एसी का फॉर्मूला है और ऊपर वाला डीसी का है। तो इस तरीके से हम वाट निकालते हैं, ठीक है गाइज। अब हमें पता लग गया वाटेज क्या होता है। तो गाइज, अब हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो गाइज, वोल्टेज एक फोर्स होता है, एक ताकत होती है जिसके द्वारा करंट को धकेला जाता है, ठीक है गाइज। यानी आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। तो उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए, ये एक ट्रॉली है और इसमें कुछ लोड रखा हुआ है, हमने कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है गाइज। जब तक आप इसे किसी फोर्स से धकेलोगे नहीं तब तक ये अपनी जगह खड़ी रहेगी। तो गाइज, आप इस तरह से समझ लीजिए, इस ट्रॉली में जो ये लोड आपने भरा हुआ है, ये जो सामान भरा हुआ है, ये एम्पियर है, और इसे जो चीज़ धकेल के ले जाएगी वो है वोल्ट, ठीक है गाइज। ये जब तक ये फोर्स, ये ट्रैक्टर है, तो जब तक ये ट्रैक्टर इस ट्रॉली को नहीं ले जाएगा तब तक ये एम्पियर यहीं पर रहेगा। यानी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि वोल्टेज एक ताकत होती है एम्पियर को धकेलने के लिए। तो एम्पियर वहीं का वहीं रुका रहेगा जब तक वोल्टेज पीछे से फोर्स नहीं करेगा, ठीक है गाइज। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज एक ताकत होती है जो करंट को ले जाती है। तो गाइज, इस चीज़ का एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक पाइप है टंकी का, तो इसमें पानी जा रहा है, ठीक है गाइज। तो यहाँ से ये निकल रहा है। तो गाइज, अगर आप पीछे से पानी दे रहे हो तभी यहाँ से पानी निकल रहा है। अगर आपने पीछे से पानी देना बंद कर दिया तो पानी यहीं का यहीं रुक जाएगा, ठीक है गाइज। इस पाइप में रुका रहेगा जब तक पीछे से और पानी ना आ जाए। तो गाइज, ये जो पानी है ये आपका करंट है, और जो पीछे से प्रेशर से पानी और आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है पीछे से, वो आपका वोल्टेज है। यानी वो पीछे से जो पानी आ रहा है वो इसको धकेलेगा तभी ये पानी आगे जाएगा। यानी पीछे से जो ताकत आएगी, जो वोल्टेज आएगा, वो करंट को आगे ले जाएगा, ठीक है गाइज। तो कहने का मतलब है वोल्टेज एक ताकत है, एक फोर्स है जो करंट को आगे धकेलता है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एम्पियर की। तो एम्पियर क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एम्पियर होता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। यानी इलेक्ट्रॉन भी एक कण होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मान लीजिए ये कोई तार है, तो इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब वो बहते हैं तो उसे ही हम करंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का बहना ही करंट होता है। तो गाइज, बहना कैसे होता है? जब इसमें कोई फोर्स इसे इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाएगा, यानी जब पीछे से वोल्टेज आएगा तो ये करंट उस वोल्टेज का जो फोर्स होगा उससे बहेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज करंट आपका बहेगा। तो गाइज, आपने देखा होगा जब वोल्टेज कम आता है आपके घर तो आपकी मशीन या तो चलती ही नहीं या फिर बहुत धीरे धीरे से चलती है। उसका कारण होता है जो वोल्टेज का मतलब पीछे से जो फोर्स आ रहा है वो कम आ रहा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे गति
पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, यानी आगे बहुत स्पीड से नहीं जा रहे, तो जिसकी वजह से हमारी मशीन कम चलती है। ठीक है, तो करंट होता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। और गाइस करंट की खोज करी थी आंद्रे मेरी एम्पियर, एक आंद्रे मेरी एम्पियर करके एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एम्पियर अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम भी एम्पियर रख दिया था। ठीक है गाइस, अब गाइस वाटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ किसी भी मशीन का वाटेज निकालना हो तो हमें फॉर्मूला पता है डब्लू बराबर वी इंटू आई। इसमें डब्लू जो है वो तो वाट है और ये है वोल्टेज और आई है एम्पियर। ठीक है गाइस, अगर हमें किसी भी चीज़ का वोल्टेज निकालना हो या वोल्टेज निकालना हो या करंट निकालना हो तो इन तीनों चीज़ में से दो चीज़ हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो गाइस हमारे इंडिया में जो बिजली का स्टैंडर्ड है वो 220 वोल्ट है। इंडिया में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट ही आती है हर एक घर में, तो वोल्टेज तो हमें पता हो गया। अब दूसरी बात, हमें किसी भी मशीन का वाटेज पता होता है। जैसे एक बल्ब ले लीजिए आप, तो नॉर्मली आप मान लीजिए 100 वाट का बल्ब हमारे पास है। ठीक है गाइज, तो 100 वाट का बल्ब हमें पता है, इस पे वाटेज लिखा रहता है हर मशीन पे और वोल्टेज भी हमें पता लग गया। तो दो चीज़ हमें पता लग गई, अब हमें करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला हमें वही लिखना है डब्लू बराबर वी इंटू आई। तो इनमें से हमारे पास दो चीज़ है, डब्लू हमारे पास 100 वाट है और वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे। तो आई को जब हम निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा, ये जो W है ना इसके नीचे ये चला जाएगा वोल्टेज, W बटे वो। तो अब हम क्या करेंगे, W हमारा 100 वाट है और I हमारा 220 वाट। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो गाइस जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा, ये करंट आ जाएगा 0.45 एम्पियर। ठीक है गाइस, ये बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास वाटेज है, ठीक है, और हमारे पास करंट है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, तो हमें वोल्टेज निकालना है और वाटेज है हमारे पास 100 वाट। ठीक है, तो हम नॉर्मली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज बराबर होगा W बटे I। तो W हमारे पास है 100 वाट और I जो है 2, तो इसे हम काट लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50 वोल्ट। इस तरीके से हम वोल्टेज निकाल लेंगे गाइज। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि वाट क्या है, वोल्ट क्या है और एम्पियर क्या है, इनके बारे में आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप उसे पूछिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। तो गाइज अब मैं धीरे धीरे आपके जितने भी कमेंट आते हैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। लेकिन गाइज हज़ारों कमेंट होते हैं तो सारे नहीं लिए जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट है। तो अगर आपका कमेंट नहीं पढ़ा गया तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं। ठीक है गाइज, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बहुत सारी वीडियो और आने वाली है गाइज, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और गाइज हर एक वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए ताकि आपको अधूरी नॉलेज ना मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।